हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और दोस्तों, आज मुझे मिला है दुबई से गिफ्ट। और गिफ्ट में क्या है, एक है आईफोन 14 प्रो मैक्स और उसके साथ है टू स्मार्ट वॉच और एक है एप्पल का आईपैड। क्यों, अगर फ्री में ऐसे गिफ्ट मिले तो कैसा लगता है, मजा आ जाता है। अगर कोई फ्री में ऐसे गिफ्ट दे देना, ये तो चलो उन्होंने तो चार भेजे हैं, कोई एक गिफ्ट भी ऐसा भेज देना तो मौज हो जाती है। और आईफोन, आईफोन के लिए तो सभी रेडी रहते हैं। क्यों, तो देख लो भाई, इतना बड़ा दिल है उनका कि चार चार चीजें एक साथ भेज रहे हैं, वो भी एकदम फ्री। वाह भाई वाह, कौन नहीं लेना चाहेगा ऐसे गिफ्ट, हर कोई तैयार होगा मेरी तरह। क्यों, और काफी लोगों ने तो लिए भी है। तो भाई, ये जो आपने ना फोन पे देखा होगा, और ये गिफ्ट मिला है दुबई से जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। आप लोगों को भी लेना है क्या? आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे ये आया हुआ है कि भाई हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कॉल करो एक बारी तो आप लोगों को है ना हम आईफोन देंगे, फलानी चीज, दकड़ी चीज ऐसे देंगे, कुछ भी। एक गिफ्ट मिलेगा, एक नंबर से एक गिफ्ट मिलेगा। और ये स्पेशल इंडिया वालों के लिए, स्पेशल हम इंडिया वालों के लिए, हम इतने खास हैं, देखो हमारे लिए आ रहा है ये गिफ्ट ओनली। तो भाई मैं भी इसकी बातों में आ गई थी, और किस किस ने ये देखा है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना। तो भाई मैंने वो देखा, तो भाई बच्चे बोले मम्मी चलो कर लेते हैं हम भी इस पे एक बारी व्हाट्सअप, क्या पता हमें भी गिफ्ट मिल जाए। हमने सोचा चलो भाई ट्राई तो करते हैं। तो भाई हमने किया ट्राई, तो उस बंदे का फोन आया, उसकी एक ऑडियो है, फोन करते ही जो ऑडियो आई है वो ऑडियो भी मैं आपको सुनाती हूँ अभी 2 मिनट। अभी आप है ना एक ऑडियो सुनो, पहले तो छोटी सी ऑडियो है। जी अस्सलाम वालेकुम, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से बात कर रहा हूँ। देखिए, आपने अभी एक ऐड हमें शेयर किया है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पेज पे आपने हमें फॉलो किया हुआ है। हमारी एक बेस्ट ऑफर चल रही है स्पेशली इंडियन भाइयों के लिए, जिसमें हम 1000 आईफोन और 1000 आईपैड जो है वो लोगों को गिफ्ट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आपका जो नंबर है, आपका जो नाम है, वो हमारी फॉलोइंग लिस्ट में है, तो इसलिए हम आपको एक आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है वो जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से गिफ्ट कर रहे हैं। आपको और आपकी फैमिली को कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो। आपके ये जो टोटल गिफ्ट्स हैं ये मुंबई कोरियर हेड ऑफिस में पहुंचे हुए हैं, तो मैं आपको कोरियर हेड ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर सेंड कर रहा हूँ आपकी व्हाट्सएप पे। आपने उस नंबर पे अभी कॉल लगानी है, अपने व्हाट्सएप से कॉल करके आपने उनको बोलना है कि जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से जो आपके पास पार्सल आए हैं उसमें जो बॉक्स नंबर 8 का पार्सल है आईफोन 14 प्रो मैक्स, वो हमारा पार्सल है। आपने अपना नाम उनको बताना है, अपना एड्रेस बताना है, जो भी एड्रेस आप उनको बताएंगे उसी एड्रेस पे आपका कोरियर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारी वीडियोस लाइक करते रहें, शेयर करते रहें दोस्तों के साथ, और जैसे आपको ये पार्सल मिलेगा आपने उसकी एक शॉर्ट वीडियो बना के हमें जरूर सेंड करनी है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो भाई उनका पहले हमने उनके पास कॉल किया व्हाट्सएप पे, फिर उनसे बात हुई, उन्होंने एक ऑडियो भेजी हमारे पास ऐसे ऐसे, और उन्होंने हमसे हमारा एड्रेस और एक फोटो मंगवाई। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने हमारे पास वीडियो भेजी कि भाई ये आपका बॉक्स नंबर है और इसमें है आपके लिए, हाँ। और उन्होंने हमसे मांगे 6000 रुपये। उन्होंने कहा आप अभी पेटीएम करो, आधे घंटे के अंदर ही पेटीएम करो। तो फिर मैंने कहा भाई मैं पेटीएम यूज़ करती नहीं हूँ, अगर पेटीएम यूज़ नहीं करते तो हम ऐसा करते हैं उसको बाई एंड दे देंगे, हमारा कोरियर आएगा तो हम बाई एंड दे देंगे। बोले नहीं बाई एंड तो नहीं देना, फिर चलो आप ऐसा करो 4000 पेटीएम कर दो और 2000 आप फिर उसमें बाई एंड दे देना। अरे जब हम पेटीएम यूज ही नहीं करते तो हम 4000 कहाँ से दे देंगे, ये सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है। और फिर अच्छा, फिर और उन्होंने बोला कि आप ये बात किसी के साथ लीक भी नहीं करोगे, अगर ये अगर आपने ये बात कहीं लीक कर दी ना तो आपके इंडिया में ऐसा माहौल है, ये बीच में अड़चन हो जाएगी, कोरियर घर तक नहीं आ पाएगा। फिर भाई फिर दिमाग में आया भाई ये तो कोई ऐसे ही फ्रॉड है, और बोले आपका है ना हम इतना चार्जेस नहीं लेते, ये चार्जेस भी 6000 भी हम आपसे तब ले रहे हैं क्योंकि इसमें है ना एक आईफोन नहीं है, इसके साथ है ना आईपैड भी है, दो स्मार्ट वॉच भी है, बोले चार चार चीजें हैं आप लोगों के लिए, इसलिए इतना है ये। फिर बोले आपके पास है ना छोटे भाई बड़े भाई का भी कॉल आएगा, अभी आप उनसे बात करना। फिर भाई इतना कुछ होने के बाद उन्होंने ऐसे कहा ना कि बात लीक नहीं करनी, ये नहीं करना। फिर दिमाग में आया भाई ये तो ऐसे ही लोगों को पागल बना रहे हैं पैसे लेने के लिए, और फिर मैंने इन सब के नंबर ब्लॉक मार दिए। और वही बात है भाई, नहीं तो 6000 रुपये यू सोच लो, अगर मैं उसी टाइम उन्होंने कहा अभी करो पेटीएम अभी करो आधे घंटे के अंदर,
अगर बाद में करोगे ना तो फिर हम आपको कुछ नहीं देंगे। और कुछ तो उन पर ज्यादा शक ऐसे हुआ, बोले कि आप बात लीक मत करना। अच्छा फिर हमने पूछा कि भाई डिलीवरी कब तक होगी, बोले डिलीवरी डिलीवरी तो बोले 4-5 बजे तक हो जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा से ज्यादा 4-5 घंटे लगते हैं। अरे मुंबई से सिर्फ 4-5 घंटे में आ जाएगी हमारी डिलीवरी, कैसे बातों में बना रहे हैं ये। फिर तो मैंने सोचा ये तो ऐसे ही है, फिर फटाफट से उनके नंबर वगैरह ब्लॉक कर दिए और सारा कुछ डिलीट कर दिया। फिर हमने अगर ये जो चार्जेस ले रहे हैं, कुछ तो इन पर ऐसे डाउट होता है, बोले कि 6,000 रुपये चार्जेस है। अरे जब छोटा भाई बड़ा भाई हम लोगों को आईफोन आईपैड अच्छा दो दो स्मार्ट वॉच ये सब हमें दे रही हैं, जो लोग हमें 2-2 लाख का सामान दे देंगे, 2-2.5 लाख का, क्या वो 6,000 रुपये नहीं भुगत सकते क्या? कुछ तो दिमाग लगाना चाहिए, वो 6,000 रुपये थोड़े मांगेंगे हमसे जब वो इतना लाखों का सामान हमें दे रहे हैं, तो क्या वो 6,000 के लिए करेंगे? और ये और उसके बाद मैंने फिर छोटे भाई और बड़े भाई की वीडियो देखी ना, उन्होंने भी डाल रखा था कि भाई हम कोई पैसे नहीं ले रहे ना, हमने ऐसी कोई स्कीम निकाल रखी है, ये हमारे नाम पे कोई ऐसे पैसे ऐठ रहा है, पैसे इकट्ठा कर रहा है, तो भाई प्लीज कोई भी इनकी बातों में मत आए, क्योंकि हम छोटा भाई और बड़ा भाई है, उनकी तो सारी वीडियोस देखते हैं, वो कितने अच्छे हैं। और तो भाई आप लोग भी बच के रहना इनसे, कहीं मेरी तरह आप भी चले जाओ, बस ये है। मैंने उनसे पैसे नहीं दिए, बाकी काफी लोग ऐसे हैं, आप देखना काफी कमेंट आए हुए हैं छोटा भाई और बड़ा भाई है ना उनकी वीडियोस पे, कि भाई मेरे से उन्होंने 6,000 रुपये ले लिए, मेरे से 4,000 ले लिए। तो भाई मैं आपको है ना वो कमेंट भी दिखाती हूँ जिन लोगों ने उनसे पैसे दिए भी हैं, किसी ने 6,000 दिए हैं, किसी ने 4,000 दिए हैं। पहले वो 6,000 मांगते हैं, 6,000 के लिए मना करते हैं, तो फिर वो 4 पे आ जाते हैं, फिर 2 पे आ जाते हैं, फिर 1,000 के लिए भी बोलते हैं ना, तो 1,000 के लिए भी यहाँ कर लेते हैं। तो इससे तो साफ पता चल रहा है कि भाई ये सिर्फ पैसे के लिए हो रहा है, हमारे पैसे खाने के लिए हो रहा है। तो भाई सतर्क रहें, सफल रहें।